नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फायदे का सौदा है, चाहे वो भैंस पालन हो या गाय पालन हो। और दूसरी तरफ देखा जाए तो न सिर्फ इनसे हमें दूध मिलता है, बल्कि रोजगार भी काफी मात्रा में हमें मिलता है। पशुपालन का एकमात्र जिला दिल्ली और फरीदाबाद से सटा हुआ गुरुग्राम जिले में आज की हमारी विजिट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिकता की चकाचौंध मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं निर्माण कार्य चारों तरफ जोर शोर से चला हुआ है, और गुरुग्राम जिले के उल्लावास गांव में आज हमारी विजिट है विनोद सर के डेयरी फार्म पे। विनोद सर देख सकते हैं एक अनुभवी पशुपालक मैं इनको कहूंगा, 3 पीढ़ियों से लगातार पशुधन के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। तो ये आप मैंने आपको दिखाया जो निर्माण कार्य चारों तरफ यहाँ पे चला हुआ है, इन्हीं के बीच में जो विनोद सर का ये फार्म हाउस है वो यहाँ पे, और आप देख सकते हैं फसलें अच्छी खासी इन्होंने उगा रखी हैं और अपना एक अच्छा खासा फार्म है, दूध भी बेचते हैं, साथ साथ पशुपालन का काम करते हैं, सेल परचेज का काम है, अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन हर बार इनको इनके यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक और अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन कवर करने के लिए आज हम आए थे विनोद सर के डेयरी फार्म पे। तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा विनोद सर से, आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी मुर्रा भैंस हमारी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रही है, जानेंगे इन्हीं इसी की डिटेल। तो मैं आपको मिलवाता हूँ विनोद सर से। नमस्कार विनोद सर। संदीप भाई नमस्कार, आपका यहाँ पे आने का धन्यवाद जी, और सभी को मेरी और तरफ से हाथ जोड़ के रखा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आप ये बताइए कैसे हो आप? सही है सर। तो सर ये जो मुर्रा का जो पशुधन आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक बार इसकी डिटेल्स मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, एक बार इसकी डिटेल्स आप बताइए। सर ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइमर जी, 25 दिन की ब्याई हुई है जी। नीचे लेल काफ है जी, और मोक्ति पे 20+20 हो, 21.5+ जी। तो ये आप देख सकते हैं, सर ने बताया सेकंड लैक्टेशन का मुर्रा पशुधन, नीचे मेल काफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सर ने बताया 25 दिन की ब्याई हुई है, इसके नीचे अभी 20 से 21 किलो दूध मौके पे जो है मौजूद है। तो ये पशुधन मैं कवर करने के लिए आया राधा कृष्णा डेयरी फार्म के नाम से, इनका एक फेमस डेयरी फार्म गुरुग्राम जिले में मैं कहना चाहूंगा। और अब मैं बात करूं अगर मुर्रा पशुधन की, तो ये देखिए मैं इसको कवर करना चाहूंगा, चेहरा मोरा बिल्कुल जस्ता हुआ, सींगों की बनावट आप देखिए एकदम नेचुरल सींग, और फेस वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सुंदरता चेहरे पे अलग ही झलक रही है। यहाँ पे हाइट लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी खासी हाइट लेंथ। और अगर मैं पीछे से इसको कवर करना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं पूंछ में एक भी सफेद बाल नहीं किसी तरह का, एक प्योर जो मुर्रा के कैरेक्टर्स होने चाहिए वो इनके इस पशुधन में है। दूसरा अगर मैं अडर इसका जो है कवर करके आपको दिखाना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं काफी भारी भरकम लेवटी के साथ जो अडर क्वालिटी इनके इस पशुधन में देखने को मिली वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ। और स्वभाव आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव का मुर्रा पशुधन। तो विनोद सर ये पशुधन आपका बिक्री के लिए उपलब्ध आप बताना नहीं, चाहेंगे नहीं, कुछ सर, सेल नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो सर का कहना है सेल के लिए ये पशुधन इनका अवेलेबल नहीं है। तो किसी तरह के कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपनी स्क्रीन पे देना चाहूंगा, लेकिन इस पशुधन के लिए नहीं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से सर का अच्छा खासा सेल परचेज का काम है, अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन हर बार यहाँ पे देखने को मिला। बात करूं अगर मैं पीछे से अडर अगर मैं कवर करता हूं तो ये आप देख सकते हैं टिट स्पेसिंग काफी लाजवाब टिट स्पेसिंग, और साइड से अगर मैं इसको कवर करके एक बार और आपको दिखाना चाहूंगा जो उभरी हुई नशे हैं यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हैं सर, बिल्कुल। तो एक अच्छा खासा गैप यहाँ पे देखने को मिला, ये आप देख सकते हैं टिट स्पेसिंग, और वेन्स साफ साफ दिख रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इनका ये मुर्रा पशुधन वास्तव में एक दुधारू मुर्रा पशुधन है। तो
सर मैं एक बात और वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी बार भी मैं आया हर बार आपके पास अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन देखने को मिला, किस तरह से आप जो है सिलेक्शन करते हैं एक बार वो हमारे पशुपालक भाइयों को जरूर बताइए। संदीप भाई सबसे पहले तो जो पशु है ना जी एक क्वालिटी वाला होना चाहिए। जी जी जो मुर्रा की पहचान जैसे सभी भाई बताते हैं मुर्रा की पहचान भाई लंबी गर्दन होनी चाहिए जी, सींग होना चाहिए जी, उभरती हुई नसें जी, और पीठ पुट्ठा एकदम बढ़िया जी, और जैसे पीछे बोलते हैं एक हड्डी थी जी जी जी, और सर ये सब कुछ देख के ही सिलेक्ट करते हैं यही। तो मैं कहना चाहूंगा हर बार विनोद सर का जो सिलेक्शन है वो अच्छा खासा सिलेक्शन मेरे को यहाँ पे देखने को मिला। हाइट लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको अगर पीछे से दिखाना चाहूं पेल्विक बोन से चौड़े पुट्ठे का मुर्रा पशुधन और इतनी अच्छी खासी हाइट किसी किसी पशुधन में देखने को मिलती है जो मुझे विनोद सर के यहाँ पे देखने को मिली। और ये देखिए बिल्कुल अगर मैं यहाँ से आपको कवर करके दिखाना चाहूं तो अडर की क्वालिटी देखते ही बनती है, एकदम चमकदार रंग चेहरा मोरा मैंने आपको दिखाया। तो ये पशुधन विनोद सर का सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस पशुधन को लेके विनोद सर को किसी तरह की कोई फोन वगैरह करके कतई परेशान ना किया जाए। ये पशुधन राधा कृष्णा डेयरी फार्म जिला गुरुग्राम से है, और एक बार इसको खोल के चला के और दिखाए मैं इसका व्यक्ति तो एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा खासा मुर्रा पशुधन कभी कभी देखने को मिलता है वो भी गुरुग्राम जैसे एरिया में। ये आप देख सकते हैं अर्डर की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, काफी लाजवाब अर्डर क्वालिटी यहाँ पे, और स्वभाव आप देख सकते हैं, चेहरा मोरा आप देख सकते हैं, हाइट लेंथ आप देख सकते हैं, किसी तरह का एक भी माइनस पॉइंट इनके इस पशुधन में नहीं है। तो विनोद सर मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, अच्छे खासे मुर्रा पशुधन आपको आपके यहाँ पे हर बार मेरे को देखने को मिला। विनोद सर बता रहे हैं मात्र 25 दिन की ब्याई के नीचे अभी 20 से 21 लीटर दूध मौके पे तैयार है। नीचे मेल काफ मैंने आपको दिखाया है, ये आप मेल काफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो आधुनिकता की चकाचौंध में इस तरह का मुर्रा पशुधन देखने को मिला हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो विनोद सर ने जो यहाँ पे व्यवस्था करी हुई है मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं इनके खेत खलियान और गेहूं की फसल अच्छी खासी, इनका जो मेंटेनेंस है पशुधन का रखरखाव वो यहाँ पे देखने को मिला, काफी सराहनीय काफी शानदार। आशा करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।